okay hi everyone so today let's uh, discuss one interesting problem so it says an open organ pipe has a length of uh, 5 centimeter uh, find the fundamental frequency of vibration of this pipe okay uh, what is the highest harmonic of uh, such a tube that is in the audible range speed of uh, sound in air is 340 meter per second and the audible range is 20 to 20000 hertz okay सो वट इज गिवन हमारे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है एंड इसका जो लेंथ है लेट्स से कैपिटल एल दिस लेंथ इज गिवन 0.05 मीटर राइट एंड इसके जो दोनों एंड्स है वो ओपन है सो so अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें सो so पहले हमें वेव्स ड्रॉ करनी पड़ेगी इधर यू कैन ड्रॉ प्रेशर वेव और यू कैन ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वेव लेट्स से हम प्रेशर वेव ड्रॉ करते हैं देन प्रेशर वेव का ओपन एंड पे नोड होता है सिमिलरली यहाँ पर भी नोड होगा राइट सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए एक सिंगल लूप बनेगा राइट right? इस तरह से एक सिंगल लूप बनेगा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ सिंगल लूप दैट इज़ लेमडा बाई टू सो यहाँ से देखो लेमडा बाई टू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाइप सो यहाँ से वेव लेंथ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एल नाउ फ्रीक्वेंसी की बात करें दैट इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाई वेव सो स्पीड डिवाइडेड बाई ट है ना वेव का वैल्यू आपको ट्वेल्व पुट करना है सो so, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी स्पीड कितना दे रखा है 340 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ इज़ 0.05 सो ये आ जाएगा आ, ये कितना हो गया 0.1 सो इट विल बी 3400 फोर डबल जीरो हर्ट्स सो दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइन अभी चेक करते हैं व्हाट इज़ द हाइस्ट हारमोनिक ऑफ सच अ ट्यूब दैट इज़ इन द ऑडिबल रेंज ओके सो लेट्स लेटे एंथ हारमोनिक की अगर हम बात करते हैं एंथ हार्मोनिक में क्या होगा आप देखो इस तरह से ये ऑर्गन पाइप है इसके जो दोनों एंड्स है वो ओपन है इट मीन्स वहां पे नोड है सो एंथ हारमोनिक के लिए आपके पास कितने लूप्स बनेंगे एन नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे राइट right? जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए आपका यू uh, नो you know, एक लूप बना था दैट इज यूअर फर्स्ट हार्मोनिक सो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए एक लूप बनेगा सेकेंड हार्मोनिक के लिए दो लूप्स बनेंगे सो एंथ हार्मोनिक के लिए आपके पास एन नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे वट इज द लेंथ ऑफ वन लूप दैट इज लेमडा बाई टू सो वट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ एन नंबर ऑफ लूप्स ये जो एन नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे इनका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा एन इंटू लेमडा बाई टू बिकॉज लेंथ ऑफ ईच लूप इज लेमडा बाई टू राइट सभी का लेंथ लेमडा बाई टू है तो एन नंबर ऑफ लूप्स का जो लेंथ होगा दैट विल बी एन इंटू लैमडा बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाइप है ना दिस इज यूअर टोटल लेंथ ऑफ द पाइप सो यहाँ से देखो वेव लेंथ आएगा टू एल बाई एन सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगा स्पीड डिवाइडेड बाई वेव लेंथ स्पीड डिवाइडेड बाई वेव लेंथ को ये पुट कर दो टू एल बाय एन सो हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना सो so, देखो एन इज इक्वल टू टू एफ एल डिवाइडेड बाई वी इज एंटेड आपको मैक्सिमम हार्मोनिक फाइंड आउट करना है मीन्स काइंड ऑफ एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है सो यहाँ से देखो टू इंटू एल का वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू एफ डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है थ्री फोर्टी राइट सो चेक करो ये कितना आ जाएगा ये हो गया जीरो पॉइंट वन सो ये हो गया एफ डिवाइडेड बाय थ्री फोर डबल जीरो राइट सो यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन राइट सो यू हैव टू टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी ट्वेंटी थाउजेंड बिकॉज फ्रीक्वेंसी हमें ऑडिबल रेंज में लेनी है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड के बीच में सो एफ मैक्स विल भी ट्वेंटी थाउजेंड सो एन मैक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो एन मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा इट विल भी सिंपली ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय थर्टी फोर ट्वेंटी थाउजेंड बाय थर्टी फोर था या कुछ और था मी चेक अच्छा थ्री फोर डबल जीरो है ओके okay. सो so, ड्रेड से और मुझे डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई हंड्रेड सो ये फाइव पॉइंट एट एट आ रहा है बट यू नो दैट एन इज नेचुरल नंबर यस राइट इज इट? एन इज नेचुरल नंबर सो फाइव पॉइंट एट एट को आपको क्या लेना पड़ेगा फाइव राइट एन का मैक्सिमम वैल्यू फाइव पॉइंट एट एट है सो फॉर नेचुरल नंबर मैक्सिमम एन विल भी फाइव सो आई थिंक यू हैव अंडर्स डोट वी नो एफ स्टिली कंफ्यूजन वर्किंग एट बेस्ट ऑफ लक thank you